स्ट्रॉन्ग हूँ बोल के ये बाहर जाए, मेरे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। नमस्ते स्मिता मीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुस्मिता, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। अभी ये न्यू ब्लॉग हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें बोलो। आप हो, आप शुरू करो आज। इंजेक्शन से शुरू करें। रिशु का वैक्सीन हो गया, वैक्सीनेशन खत्म हो गई। इस फिर अगले महीने भी और एक है, फिर उसके बाद उसका एक साल के बाद है। रिशु रो के है। रिशु कैसा लगा वैक्सीन, रिशु इंजेक्शन कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। कुछ फल खरीदेंगे और दूध लेंगे, दूध लेके जाएंगे। हाँ, 3 दिन से हमारा दूध वाला नहीं आ रहा था, तो जैसे तैसे करके हमने मैनेज कर ली। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, शाम के टाइम पे नहीं होगा, तो अभी फल थोड़ा लेंगे, फिर दूध का पैकेट। अगर रिशु के लिए झूला मिलेगा तो झूला लेके जाएंगे। देखो मुझे क्या मिला, अंजीर मिला 50, 1-10 रुपए का है, महंगी वाली अंजीर 1-10 रुपए का है। तो मैडम आपके लिए 40 रुपए, मेरे लिए नहीं तो सबके लिए 40 रुपए कर रहे हैं भाई। गए बाबा, किधर गए? बाबा पॉप लेके आएगा। पॉप लेके आएंगे? किसके लिए? मम्मी ने, बाबा ने, मेरे लिए। बाल लीची तो हमेशा सबको लेके चले। रिशु इधर आओ, रिशु मीठी चटनी बनाऊंगी, जिसमें मैं पीस डालूंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये जो मीठी चटनी। ये मीठी चटनी मुझे मेरी स्कूल डेज में पिकनिक की याद दिलाती है। पिकनिक तो हमेशा ये विंटर के टाइम पे होता है ना, बहुत मस्त मजा आता है ऐसे। तो ये पीस तो मतलब पीस का टेस्ट सिर्फ विंटर में ही अच्छा लगता है। भूल गई थी इसको डालना पहले। थोड़ा हल्का हो गया, फिर मैंने पीस को डाल दी। पीस को भी कम से कम ऐसे 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा करना है, ज़्यादा भी नहीं। फिर अभी टमाटर का ऐड कर लेंगे। दाल में मैंने थोड़ा ज़्यादा आज हल्दी डाल दी, तो बच गए, दाल से निकाल दी हल्दी, नहीं तो दाल खराब हो जाती। तो उसी को ही इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जीरा पाउडर। तो हल्का सा मिट्टी डाले हो रिशु के लिए, नहीं तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं तीखा के लिए। धीमी आंच कर लेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे इसमें। फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी अच्छे से ऐसे अच्छे से अच्छा वाला बॉयल आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ही ऐड करेंगे। चीनी आंच पर आपके हिसाब से आप डालो मीठा। और पिकनिक स्टाइल टमाटर मीठी चटनी बन जाएगी। अब इसमें ऐड कर लेंगे पानी, 1 कप के आसपास मैंने पानी डाला है इसमें। अच्छे से उबाल आने देंगे। अभी थोड़ा ढक लेंगे, ढक के पकाएंगे इसको 5 मिनट के लिए। इसको ढक स्लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे, फिर उसके बाद गुड़ ऐड करेंगे। अच्छे से पानी निकल गया है, अभी ऐड कर लेंगे। मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ, 3 क्यूब्स ऐसे, मैं क्यूब्स वाले गुड़ मेरे पास है, तो मैं 3 क्यूब्स ही ऐड कर रही हूँ। और लास्टली धनिये के पत्ते ऐड कर लेंगे। अभी इसको सिर्फ धीमी आंच में छोड़ देनी है, जब तक ये गुड़ अच्छे से उगल ना जाए। गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हमारे थोड़ा सा थिकनेस आएगा इसमें, और हो गई हमारी टमाटर की मीठी चटनी। आज की लंच है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी मेनू मैंने रखा है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ना, इसीलिए सिर्फ दाल में भी थोड़ा सा घी जाएगा।
और इसी का मैं, इसको तड़का मैंने नहीं दिया है, इसी का मैं चाट बना के खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी 2 बज गए हैं, रिशु को खिला दूंगी तो भूख लगती लगेगी मुझे, तो खाऊंगी नहीं। और ये मिक्स भाजी में मैंने सिर्फ गाजर और बीन्स दिए हैं, फ्रेंच बीन्स और आलू। और ये जो मीठी चटनी मैं आपके सब सब मैं आप सबके साथ इसका रेसिपी मैंने शेयर किया है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अपने आप में बिजी है, क्या मजा आ रहा है, मतलब हम इधर बैठ के हम बोली लगा रहे हैं ऐसे, मतलब हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है लेकिन हम ऐसे बोली लगा रहे हैं, कितने में ये जाएगा ऐसे, अगर मैं ज्यादा पॉइंट जीतूंगी तो हमारे बीच 500 रुपए का बेटिंग है जो मैं उनके पॉकेट से निकाल के उनको देने वाली हूँ ऐसे, और मुझे पता है कि मैं जीतने वाली हूँ। तो अब मतलब ये काम कौन करता है, जिनका खाना नहीं पसता है तो वो ऐसे फालतू के काम करते हैं ऐसे, क्या करे ऐसे बोर हो रहे थे फिर चलो गेम ही खेल लेते इधर। हो गया रिशु, देखो रिशु का क्या हो गया, देखो देखो सब देखो।